राजीव दीक्षित एक ऐसा नाम है जो मुझे भी बहुत लेट पता चला। कुछ कमी तो मेरी है और कुछ कमी आपको पता ही है कि इसकी मीडिया चैनल्स, बुक्स किसी में भी मेंशन नहीं होता है। राजीव दीक्षित ने बीटेक किया था आईआईटी इलाहाबाद से, एमटेक किया था आईआईटी कानपुर, फ्रांस से उन्होंने अपनी पीएचडी की थी। कंपनीज के खिलाफ वो बहुत ज्यादा बोलते थे और ये चीज वो आज से बहुत साल पहले बोल रहे थे, 2010 के आसपास। उस टाइम इतनी रिसर्च और इतने प्रॉपर सोर्सेज भी नहीं थे कि आप पढ़ सको। आजकल तो बहुत आसान है, धीरे धीरे हम देख भी रहे हैं आए दिन कंपनी बैन होती रहती है, ज्यादा नुकसानदायक चीजें उसमें डाली जाती है। सारी कंपनीज है जिन्होंने आपको रूल करना शुरू कर दिया, लाइफस्टाइल में ऐसे घुस गए हैं वो जैसे कि आप उनके बिना जी नहीं सकते। जब उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, उन्हें एयरलिफ्ट करके उनकी जगह ले जाया गया। ये सब हुआ बिना किसी ऑटोप्सी के, बिना किसी पोस्टमार्टम के। लोग सवाल उठाते हैं कि ऑटोप्सी क्यों नहीं करी गई। कुछ मीडिया के लोग या नॉर्मल लोग बोलते हैं कि उनका नीला कलर था बॉडी का, जो अक्सर किसी को अगर पॉइजन दिया जाए तब होता है। बहुत सारे लोगों ने एलिगेशन लगाए कि इसमें बाबा रामदेव भी मिले हुए थे। बहुत सारे लोगों ने एलिगेशन लगाए इसमें कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी, कई सारी इंडस्ट्रियल कंपनीज इन्वॉल्व थी, जिनके साथ उनका बहुत ज्यादा 36 का आंकड़ा था, जिनके खिलाफ वो खुल के बोलते थे।